समुद्री एरोप्लेन में, क्योंकि यहाँ पे होने वाला है मेरा बर्थडे सेलिब्रेट। बोट्स लगे हुए हैं, बोटिंग होती है वहाँ पे। हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज है 9 जुलाई, मतलब कि मेरा बर्थडे, मेरा जन्मदिन। मैं आई हूँ आज रोहिणी रिठाला। सो गाइस, आज मैं आ गई हूँ अपना बर्थडे मनाने समुद्री एरोप्लेन में। जी हाँ, तो चलिए फिर आप सभी को मैं अपने साथ लेके चलती हूँ, तो चलते हैं फिर अंदर। सो गाइज, ये है यहाँ का टिकट काउंटर। टिकट प्राइस है यहाँ का 200 रुपीज पर पर्सन, जो कि खाने के बिल के साथ बाद में एडजस्ट हो जाता है। हमें मिल चुका है बोर्डिंग पास। यहाँ से चेक इन करने के बाद आपको अंदर जाना होगा। प्रीमियम सा है, अच्छा है। चलिए फिर चलते हैं अंदर। सो गाइज, ये रहा मेरा समुद्री एरोप्लेन। कुछ भी देख सकते हैं आप, ये पानी में खड़ा है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये सिर्फ एरोप्लेन है। हवा में उड़ता है ना, ये पानी में चलता है। ये समुद्री एरोप्लेन, और मैं आ गई हूँ यहाँ पे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते, बोटिंग भी होती है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे बोटिंग भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको बाहर काउंटर मिलेगा। और ये रहा रनवे 1, जो कि रिठाला में है, और यहाँ पे आप बर्थडे अपना सेलिब्रेट कर सकते हैं। और अगर एनिवर्सरी, यहाँ जाके आप लंच और डिनर भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर अंदर चलते हैं। एंड गाइज, ये रियल का प्लेन है, आप देख सकते हैं इसके चक्के, व्हील्स इसकी। यहाँ पे बारिश हो रही थी इसलिए यहाँ पे इतना पानी था, तो इसी पानी में से पार होके हम गए थे ऊपर। तो गाइज, ये है सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए। अभी तो कम हो गई है लेकिन बारिश हो रही है। मेरा प्लान कहीं और था सेलिब्रेट करने का, वो गार्डन था एक, लेकिन वहाँ पे अगर मैं जाती तो मेरे सारे किए कराए पे बर्थडे पे पानी फिर जाता बारिश का। तो इसलिए मैं आज यहाँ आई हूँ इंडोर प्लेन के अंदर लंच करने के लिए, अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तो यहाँ पे फोन चल रहा है, तो चलिए फिर आपको लेके चलते हैं अंदर। मेरे साथ है मेरी कजन सिस्टर खुशबू। हाय सर। हेलो गाइस। तो ये आई है मेरे साथ, हम दोनों ही सिर्फ आए हैं आज मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि क्योंकि मेरे फ्रेंड्स अभी बिजी थे और यही सिर्फ फ्री थी। ये मेरी कजन सिस्टर है, यही रहती है मेरे घर के पास, गाइस। तो इसलिए ये आई है मेरे साथ। तो चलिए फिर अब अंदर चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि अंदर कैसा है। सो गाइज, यहाँ पे होने वाला है मेरा बर्थडे सेलिब्रेट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे मेरा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हो रहा है, ये एरोप्लेन का विंग है जहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट होते हैं। मेरा सपना तो था यहीं पे कि पूरा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में यहाँ पे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूँ, लेकिन नहीं हो सकता है क्योंकि अभी मैं, मेरा बजट भी नहीं है उतना और नहीं कर सकती हूँ अभी मैं। तो गाइज, आज तक मैंने कभी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया है। मेरे फ्रेंड्स और मेरे सिस्टर्स ने मुझे सरप्राइज़ दिए हैं एक दो बार, बट मैंने खुद से कभी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया है। तो आज आप लोगों की वजह से, मतलब कि यूट्यूब की वजह से, यूट्यूब स्टार्ट करने की वजह से, व्लॉग के बहाने मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हूँ इस बार। और अकेले ही आई हूँ मैं अपने कज़न सिस्टर के साथ। और हाँ, आज तक मुझे किसी ने गिफ्ट भी नहीं दिया है, लेकिन मैं आप लोगों से एक गिफ्ट ज़रूर मांगूंगी कि प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। और इस वीडियो को शेयर तो ज़रूर कीजिएगा आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, प्लीज़। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, और गिफ्ट भी मांग रही हूँ मैं आपसे। तो मुझे आपसे बस यही एक गिफ्ट चाहिए कि आप मुझे पूरा सपोर्ट करिए और प्यार दिखाइए, ताकि मैं, हो सकता है अगले साल ही यहाँ पे, जो मैंने सोचा था यहाँ पे अपना ड्रीम बर्थडे सेलिब्रेट करूँ अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, लेकिन अभी तो नहीं हो सकता है। कोई बात नहीं, इस साल मैं अपना अकेले ही कर लेती हूँ अंदर बैठ के, बाकी अगले साल हो सका अगर आप लोगों ने सपोर्ट किया तो यहाँ पे भी करेंगे। आप लोगों का अभी तक बहुत ही सपोर्ट मिला है, और आप लोगों की वजह से ही मैं इस बार अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने आई हूँ अपने ड्रीम प्लेस पे। ये छोटा सा मेरा सपना ही था कि रनवे 1 में आऊँ। थैंक यू सो मच। तो चलिए फिर अब अंदर चलते हैं और केक काटते हैं और लंच करते हैं। ये एंट्री गेट है यहाँ विंग पे आने के लिए, और ये नीचे, यहाँ पे बोटिंग भी होती है, वो देख सकते हैं आप। जैसे कि वहाँ पे बोट्स लगे हुए हैं, बोटिंग होती है वहाँ पे।
ये रहा रनवे वन। तो गाइस फाइनली मेरा केक आ चुका था जो कि यूनिकॉर्न बने हुए एक आदमी लेके आए थे। अंदर से तो आदमी ही होते हैं ना। अगर आपको यहाँ पे अंदर में अपना सेलिब्रेशन करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। अंदर में भी ये लोग आपको डेकोरेशन करके देंगे, उसके अलग चार्जेस होते हैं। अंदर के डेकोरेशन का 1500 ये लोग चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने डेकोरेशन तो नहीं करवाया था लेकिन केक लिया था, केक कटिंग की थी। तो यहाँ पे ये मिक्की माउस होते हैं, ये यूनिकॉर्न है जो कि मेरा केक लेके आए थे। साथ ही साथ म्यूजिक भी प्ले करते हैं, ये आपके टेबल के ऊपर ही म्यूजिक प्ले होता है ताकि आप एंजॉय कर सके पूरा अच्छे से। सो गाइज ये है इसका कॉकपिट जहाँ पे प्लेन उड़ाते हैं। बैठ के आइए, हम भी उड़ाते हैं। मैं ये प्लेन उड़ाने वाली हूँ। हाँ तो गाइज इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर समाप्त और मिलते हैं जल्दी किसी और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।